में हमेशा हम लोग ज्यादा सा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी सेलिब्रेशन हैं या जितने भी त्योहार आते हैं उनको मनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। पैसा होगा तो पटाखे भी 2000 जगह 50,000 लेके आएंगे, ऐसे होगा ना? आप बढ़िया घर सजाएंगे, मूर्ति की जो पूजा करते हैं वो तांबे की जगह पे आप चांदी की या सोने की पूजा कर सकते हैं मूर्ति की। तो हर चीज जो है उसे पैसा चाहिए होता है, और हमने आज सीखा है यहाँ पे कि कैसे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आईएमसी टी शर्ट में है, ज्यादा लोग आईएमसी टी शर्ट वाले, कम लोग नहीं है दिख रहे मुझे यहाँ पे, ऐसा क्यों है? बल्कि ज्यादा लोग होने चाहिए कम टी शर्ट वाले और टी शर्ट वाले कम होने चाहिए, ज्यादा लोग लेके हैं बाहर के लोगों को, यहाँ पे आईएमसी लोग ज्यादा दिख रहे हैं। ये कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं है, ओपन मीटिंग है, अगली बार जब मीटिंग हो तो ज्यादा सारे लोगों को लेके आए, क्योंकि ऐसी मीटिंग में क्या सीखने को बहुत मिलता है। जो नए लोग लेके आएंगे, आप नए कंज्यूमर्स को लेके आएंगे, नए कस्टमर्स को लेके आएंगे, जब वो आपको ऐसी मीटिंग में आके देखेंगे तो वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इन सबके लिए जो तालियां हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस को करने के लिए कुछ बहुत कुछ नया नहीं करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, जो भी आप काम कर रहे थे पहले, चाहे नौकरी कर रहे थे, चाहे आप जॉब कर रहे थे, चाहे आप बिजनेस कर रहे थे, आप दुकान चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो बहुत टफ है। दिन में 10-11 घंटे की नौकरी करनी, 10-11 घंटे की दुकानदारी चलानी, वो टफ काम है। ये जो बिजनेस है ये स्मार्ट बिजनेस है। इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा लगेगा कि ये मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ रहा है, बहुत सी एनर्जी लगानी पड़ रही है, पर धीरे धीरे क्या होगा कि टाइम एनर्जी पहले बहुत आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बहुत कम होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। उस और वो हार्ड बिजनेस से वो स्मार्ट बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा आएगा, दिन में आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे भी काम करना पड़े, करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइम एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग में ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, दूर दूर जाना पड़ेगा, तो जितना टाइम एनर्जी आप स्टार्टिंग लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बाकी सब कारोबार में क्या है, टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा, नौकरी में जाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, जीवन भर के लिए, जीवन भर, यानी जब से आप 20 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र मान लेते हैं काम करने तक की, 50 साल अगर आपने काम करना है तो 50 के 50 साल आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा बाकी कामों के अंदर। इस बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में क्या है कि आपको इनिशियली आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन धीरे धीरे टाइम वही लगेगा, लेकिन पैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टाइम उतना लगेगा, पैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और टाइम ऐसा आएगा टाइम कम भी हो जाएगा, लेकिन पैसे जो आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वो इनकम है जो आपके फैमिली को सिक्योर कर सकती है, आपके जीवन को सिक्योर कर सकती है। हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग, इतने सालों के 15 सालों कंपनी को चलते हुए ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आए, जिन्होंने काम किया और किसी कारण उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी उनके परिवारों को, आज भी उनकी फैमिलीज को पैसा जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारे कंपनी के बहुत से डायरिंग लीडर थे, मिस्टर शर्मा जी का देहांत हो गया, उनको हार्ट अटैक आया किसी कारण, उनका देहांत हो गया। पिछले महीने जो उनकी इनकम गई है फैमिली को, वो 4,00,000+ रुपए गई है। होने के बावजूद भी जो वो बिजनेस खड़ा कर गए हैं, वो बिजनेस आज उनकी फैमिली को लगातार हर महीने इनकम दे रहा है। तो एक ऐसी इनकम जाती है जो आपको जीवन भर के लिए पैसे इनकम जो है वो आनी शुरू है। इसको समझना पड़ेगा, ये कोई एक तुलसी बेचने का काम नहीं है, ये कोई एक मेंबर बनाने का काम नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नेटवर्क खड़ा करने का काम है, ये कोई कनोपी लगा के माल बेचने का काम नहीं है। ये सब चीजें हैं, पर ये अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, एक कंज्यूमर का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, जिसमें हजारों लोग, लाखों लोग हों जो आपकी टीम के अंदर हों, जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अपने अपने घर में यूज कर रहे हो, और आपको लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो एक बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना, ये हमारा अंतिम गोल है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। वही रूल्स को आप रेगुलरली फॉलो करते जाएंगे जीवन भर के लिए, आप वो नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें करना क्या है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, आईएमसी कंपनी बिजनेस प्लान उत्पादों के बारे में जानना। अब आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी के उत्पाद कैसे इस्तेमाल होते हैं, कंपनी के इनकम कैसे इस प्लान में आ सकते हैं, कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर आप डायरी में लेके आए ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जानकारी कंपनी के बारे में, जानकारी कंपनी की पूरी 15 साल की, कैसे कंपनी काम कर रही है, कहां कंपनी के ऑफिसेस है, कहां कंपनी की फैक्ट्रीज हैं, कहां कंपनी के वेयरहाउसेस है, कहां कंपनी के ऑफिसेस खुल चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर, कहां का कंपनी का काम चल रहा है, कौन सी कंट्री में कंपनी और कंपनी काम कर रही है, आगे फ्यूचर कंपनी कौन सी कंट्रीज में जा रही है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स हमारे, कौन कौन से सेगमेंट के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम हेल्थ के अंदर भी हैं, हम एग्रीकल्चर के अंदर भी हैं, वेटनरी के अंदर भी हैं, हम फूड के अंदर भी हैं, स्किन केयर के अंदर भी हैं, बेबी केयर के अंदर भी हैं, हम पर्सनल केयर के अंदर भी हैं, होम केयर के अंदर भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसमें यूज करना, उनके फायदे क्या है, कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नॉलेज पे काम करना है पहले 1-2 महीने जहां मीटिंग, और ये तो रेगुलर प्रोसेस है, ये तो एंडलेस प्रोसेस है। आज भी सीख रहा हूं उस बिजनेस के अंदर, 15 सालों के इस बिजनेस में काम करते हो, आज भी हम सीख रहे हैं इसके अंदर। तो रेगुलर प्रोसेस है, लगातार आपको सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना, कभी सीखना मत बंद कीजिए। उसके लिए जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतनी ज्यादा ले सके, कंपनी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कंपनी का इंस्टाग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कितने लोगों ने कंपनी के यूट्यूब चैनल को या फिर फेसबुक चैनल को, फेसबुक को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत सी बात है भाई। मेरा भी नया, मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक्टिवली मैंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे सत्यन भाटिया आप डाले इंस्टाग्राम के अंदर, आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नॉलेज के लिए आप कभी यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां बहुत सारी वीडियोज हैं, आप रोज 1 घंटा टाइम लगाएं उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए। कंपनी बहुत सारे पुराने इवेंट्स हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, आप उसको रोज 1 घंटा टाइम लगाएं, टीवी ना देखे, अखबार न्यूज़पेपर ना पढ़ के, या फिर मैच ना देखे, या मूवी ना देखे, आप वो टाइम अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए लगाना शुरू करें। सो पहला पॉइंट क्या है, कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनी का बिजनेस कैसे समझाना है, कैसे बताना जाता है बिजनेस प्लान, क्या है बिजनेस प्लान, कैसे इनकम आ सकती है, तो डीप नॉलेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंपनी के बारे में जानना। दूसरा, किस लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, लक्ष्यों और इच्छाओं की एक सूची बनाएं। आप इस बिजनेस में आए क्यों, आप तो ऑलरेडी करी रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, कोई ना कोई आप कहीं ना दुकान चला भी रहे थे। आईएमसी से बिजनेस में क्यों आए, क्योंकि हमारे कुछ क्या है, ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, हम उनको चाहते हैं। आपकी नौकरी में अगर 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी में है तो उसमें कोई मर्सिडीज कार तो ले नहीं सकते आप, क्या ले सकते हैं? मर्सिडीज कार लेने के लिए कम से कम 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनकम होगी महीने की, कभी ले पाएंगे? हेलो, कभी ले पाएंगे? तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहां पूरे होते हैं, आईएमसी बिजनेस में पूरे होते हैं। आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस में मेरे ड्रीम्स पूरे, तो उसकी एक सूची बनाएं कि मैं इस बिजनेस में चाहता क्या हूं, मेरे ड्रीम्स क्या है। मैं छोटे ड्रीम्स पहले, जैसे मैं आईफोन लेना चाहता हूं 15, पहला वो ड्रीम किया, मैं छोटा ड्रीम किया, मैंने अपने लिए आईफोन लेना है। दूसरा ड्रीम किया है, मैंने अपने लिए बाइक लेनी है, फॉर एग्जाम्पल या अपनी कार लेनी है, या अपने बेटे को मैंने बाइक लेके दे दी है। तीसरा ड्रीम क्या है कि मैं किराए के मकान पे रहता हूँ, कि मैंने भरा मकान अपने लिए बनाना है, वो आपका एक ड्रीम है, कि मैं अपने खुद का एक मकान बनाना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी निकल के किराए के मकान में मैं अपना खुद का एक मकान बनाना चाहता हूँ। ड्रीम्स लिखी आपने कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, और उन ड्रीम्स को 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने ड्रीम्स आपके हैं लाइफ के, आप कहीं फॉरेन कभी घूमने नहीं गए तो लिखिए मैं इंटरनेशनल घूमना चाहता हूँ, फॉरेन घूमना चाहता हूँ। कंपनी हर साल फॉरेन ट्रिप निकालती है, इन 15 वर्षों में कम से कम 18-19 फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं आप, घूमने 18-19 कंट्रीज में घुमा के लेके आ चुकी है, आप जा सकते हैं। इस साल भी दुबई का ट्रिप निकला हुआ है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ड्रीम्स को लिखिए कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, और उनको सूची बनाएं, ताकि अब जब भी इस बिजनेस में आपको लगे कि यार मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, आपको ड्रीम्स को देखें कि मैंने ये अचीव करना है और मैंने ये ड्रीम्स पूरे करने। तीसरा नियम, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% आईएमसी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? पहली बात तो हमारे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स हम भागे क्यों लें। दूसरा, हमारी कंपनी जो है स्वदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारा नारा है स्वदेशी अपनाए देश को बचाए, तो हम स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा कारण, आज हम बाजार से लक्स साबुन लेके आते हैं, हमें कुछ मिलता है? नो, जीरो इनकम। हम किसी को लक्स साबुन बेच देते हैं, किसी दोस्त को बोलते तो भी लक्स साबुन अच्छा साबुन है, क्या हमें कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से महंगे हैं, सस्ते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे मर्जी हैं, लेकिन पैसे आते हैं, पैसे आते हैं। हेलो, ये प्रोडक्ट्स हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। कोई कहता है महंगे, कोई बात नहीं महंगे,
वो कहते अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं है बाकी, लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे मुझे मर्सिडीज कार दिख रही है। क्या बोलता है, मैं ये सस्ते अच्छे बुरे कुछ नहीं है यार। आपको आदमी को बोले मिट्टी बेचा 500 किलो तो मर्सिडीज कार मिलेगी, बेच के आ सकते हो? हेलो, आज आपको बोले 500 किलो मिट्टी बेच के आप देखो मर्सिडीज कार दूंगा, क्या करोगे आप? बेच दोगे? तो अगर मिट्टी बेच सकते हो दोस्तों, हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। हमारी कंपनी से बेहतरीन प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है। हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, हम हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारी कंपनी हजारों तरह की, हमारी जो जितनी भी सर्टिफिकेशन सारी कंपनी को मिल चुकी है। ये सब चीजें आपको अपनी अपलाइन सुनने को मिल जाएंगी। मेरे को उसे बतानी जरूरत है, 15 साल से कंपनी चल रही है, करोड़ों अरबों रुपए का माल बेच चुकी है, मुझे सब चीजें बतानी जरूरत नहीं आपको। लेकिन पॉइंट क्या है कि हमें प्रोडक्ट यूज तो करने, और 100% यूज करने हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे हैं, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी बीमारी ठोकी, सब सही है, वो तो है ही है। हमारी कंपनी के अंदर हम बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के हेल्थ को ठीक कर चुके हैं, उनको स्वस्थ बना चुके हैं, वो हमारा मिशन है। हम तो इसको प्रमोट कर ही रहे हैं। तुलसी पिए, स्वस्थ जीवन जिए, निरोगी जीवन जिए, हमारे हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे सपने छुपे हुए हैं जिनको मैं पूरा करूं। तो 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? यस। चलो क्या 100% आईएनसी से भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है? यस। अभी मैं आपके घर जाऊंगा ना, तो आगे भी और चल रहे होंगे वहां पे। केवल लेडीज वॉर कैलोरी जूस और हिमालय में भी हम 100% यूजर बन गए, ऐसा नहीं है। घर में साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, चाय पत्ती, कॉफी, हर चीज, मसाले, हर चीज कंपनी की होनी चाहिए। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत से लीडर है कंपनी का, 50,000 रुपए महीने का चेक कमा रहे होंगे, लेकिन बाजार से जब हल्दी लेंगे वो लेने आए हैं क्योंकि 2 रुपए महंगी है। दो रुपए हल्दी महंगी लेके अगर मुझे मर्सिडीज कार मिलती हो तो ले सकते हैं? ये हमें अंडरस्टैंड करना है। प्रोडक्ट महंगे सस्ते की बात नहीं है, अच्छी क्वालिटी चीज तो महंगी होगी भाई, कचरा लोगे तो सस्ता मिल जाएगा मार्केट के अंदर, खुली हल्दी लोगे तो और सस्ती मिल जाएगी। तो मैं तो अंडरस्टैंड करना है कि हम क्वालिटी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, जैसे भी हैं लेकिन मुझे अपने सपने पूरे करने के कुछ भी करना है, इसलिए मुझे 100% यूजर करना है। 100% घर में आपकी वाइफ लड़की नहीं की मुझे तो मैं तो वो यूज करूंगी, बोलो नो नॉट अलाउड, तुमने मेरे साथ रहना है तो मैं ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चे लड़ते रहे पापा मुझे तो वो लिमिट पे सीए, नो बेटा नॉट अलाउड, यूज तो यही करनी पड़ेगी। और कोई चीज जो आप लगातार 40 दिन इस्तेमाल कर लेते हो ना, वो हैबिट बन जाती है। और मेरा दावा है कि आप एक बार यूज करें, शुरू करें, वैसे ही आप कोई और प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी कंपनी है। तो 100% यूजर बनना है और 100% यूजर्स बनाने हैं। हमारा काम क्या है? इतना सिंपल काम है, इससे सिंपल काम क्या हो सकता है? बताओ, यूजर बनने और यूजर बनाना, इससे सिंपल काम क्या हो सकता है? आप एक शिक्षा वाले से पूछो बेचारे से पूरे दिन क्या करता है, कितनी मेहनत है रिक्शे वाला, सुबह से रात तक रिक्शा चलाता है। एक फैक्ट्री में जाओ जहां लेबर काम कर रही है, मशीन चलाती है, उससे पूछो पूरा दिन क्या करता है। देखो मशीनें चलाते हैं, आग वाली मशीन चला रहे हैं, पूरा कपड़े पहन के और मशीन को लगा के और आग लगाते हैं। कई लोग के हाथ कट जाते हैं, नाखून कट, पैर कट जाते हैं, सिर कट जाता है, नाखून कट जाते हैं, इंजरीज हो जाती है। इतने कई देखो जो इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल पर चढ़ के इलेक्ट्रिसिटी काम करते होते हैं। आप देखो कैसे लोग काम कर रहे हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में पैसे कमा लिए, कंट्री छोड़ के बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी में जाके काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, बीवी बच्चे यहां पे काम आ जाए कर रहे हैं, साल साल लगाते नहीं है। आप सोचो ऐसे लोग भी जो काम कर रहे हैं, अभी फौज की जब वो निकलती है क्या नाम है, भर्ती निकलती है, तो अगर 500 बंदे फौज में लेने होते हैं, 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, 500 फौज में आना और 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। आईएएस पूरे साल भर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर कितने बनते हैं? 100 लोग बनते हैं, मान लेते हैं 100 लोग आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। और यहां बात कर रहे हैं कि आपको हम लोग कंपनी में अगर कोहिनूर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका मर्सिडीज कार ही अलग हो जाएगा, 200 से नहीं है, पॉसिबल नहीं। ये वो घटिया सी नौकरी के लिए जहां पे 20-25 हजार 50 हजार तनख्वाह नहीं, वहां पे 20-20 लोग आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और यहां पे हम बता रहे हैं कि मेहनत कर लो भाई, 2-3 साल मिलकर डट के 3-4 साल लगा लो, जीवन भर आराम कर सकते हो। वो लोग यकीन नहीं हो रहा। तो पहले तो बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू बिलीव कि ये हो सकता है।
कितने लोगों को लगता है कि मैं 20 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ? हाथ खड़ा सब कर लेंगे। और कितने लोग 20 लाख कमाने की मेहनत कर रहे हैं? तभी आज हॉल खाली है। इतने लोग आए हुए यहाँ पे और हॉल आपका खाली है, कैसे सोचते हैं? इतने लोग, इतने लीडर बैठे हुए, सब बोर्ड पर बैठे बैठे हुए, 20 लाख कमाने से हाथ खड़ा कर रहे हैं और हॉल ही भरा जा रहा आप लोगों से। कैसे आएगी 20 लाख? मेरे दोस्त, दिन रात काम करना पड़ेगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा, सोते सोते रात को आपके अंदर आत्मा बोले उठ बेटा सो मत, काम में लग, तब जाके आप पैसे कमा पाओगे। कोहिनूर बनना है तो 24 घंटे दिन रात एक एक आपका सेल जो है बोले कि मुझे कोहिनूर बनना है, तब जाके कोहिनूर बन पाओगे। ताकत लगानी पड़ेगी, हिम्मत छूटनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, री ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, लोगों को हैप्पी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप ये लेवल अचीव करोगे, तब जाके 20-25 लाख रुपए महीने की आमदनी कमा पाओगे। और सोचो आपको 25 लाख रुपया महीना हर महीने आने शुरू हो जाए तो क्या करोगे? अब सोचो आपको हर महीने की 5 तारीख को 25 लाख रुपया है, क्या करोगे उसका? आप लोग सोच ही रहे सर, मैं नहीं सर, मैं 50,000 महीने की हूं, मुझे कैसे 25 लाख रुपया आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं। 25 लाख रुपया महीना, अभी हमारी कंपनी के कोहिनूर हैं मिस्टर प्रेम कुमार, बिहार के छोटे से गांव में पैदा हुए थे, दिल्ली नौकरी करते थे, 15-20 साल की नौकरी करते थे। 2010 में उन्होंने काम शुरू किया एमसी का, पिछले महीने का चेक उनका 38 लाख रुपए का। ऑडी गाड़ी उनके पास है, फॉर्चुनर भी उन्होंने निकाली, बेटे के लिए फॉर्चुनर निकाली उन्होंने 45 लाख रुपए की, पोर्शे गाड़ी उनके पास है। आप भी चाहते आपके सपने पूरे हों? हेलो, नहीं चाहते आपके सपने पूरे हों? क्या कर रहे हो? अच्छा, कितने लोग आईएमसी और कितने लोग आईएमसी टी शर्ट बैठे हो सब लोग? कितने लोग को साल से ऊपर हो गए ज्वाइन किए हुए? 1 साल हो गया ज्वाइन किए हुए, साल से आपको साल ही उनको कितने को साल से ऊपर ज्वाइन किए हुए? कितने को 2 साल हो गए ज्वाइन किए हुए? 2 साल से ऊपर ज्वाइन किए हुए? अगर आपकी 2 साल में महीने की 2 लाख रुपए इनकम नहीं पहुंची है तो उसका मतलब काम नहीं कर रहे हो, घर बैठो। 2 साल अगर आपने मेहनत की है तो आपकी इस समय कम से कम इनकम 2 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए। और आपने 5 साल से आपको ऊपर हो गए और आपका 15-20 लाख का चेक नहीं है तो इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन में। जितने भी अच्छे लीडर हमारी कंपनी में आगे आए हैं, जितने अच्छे लीडर पैदा हुए हैं इस कंपनी के अंदर, सबने 5 साल के अंदर अपनी इनकम को 10 लाख रुपीज प्लस कर लिया था। जितने भी सक्षम लीडर पैदा हुए हमारी कंपनी के अंदर 5 साल में 10 लाख रुपीज के ऊपर चेक उनका पहुंच चुका था। और उसके बाद वो 10 लाख का 20 लाख पहुंचा खुद को पता लगा नहीं, क्योंकि फिर आप काम नहीं करते हो, फिर सिस्टम काम करता है आपके लिए, फिर आप ही काम करते हो, सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करता है, लोग काम करना शुरू करते हैं। पर एक बार जो ये जर्नी है 2 लाख रुपए पहुंचने की, अम्बेसडर मेंटेन करने की फॉर एग्जांपल, या सीपी मेंटेन करके 4-5 लाख रुपए की इनकम लेने की, ये जो जर्नी है इसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। बस यहां तक की जर्नी है ये, 3-4-5 साल की जर्नी है, एक बार कर लीजिए, जिंदगी भर ऐश करनी है, जिंदगी भर आप जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अपने टीम के घर जाइए, बोलो मैं देख रहा हूं चाय पीने के लिए, घर जाओ उसके चाय पीने, घुस जाओ उसके किचन के अंदर, घुस जाओ उसके बाथरूम के अंदर, देखो हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। आज पहले तो अपने घर जाओ, अभी सब हाथ क्या कर रहे हैं कि मेरे 100% यूज हो रही है, चलो अपने घर जाओ, आज देखो क्या सारा सामान आइंस का यूज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप कोई ना जीवन भर बनने वाले नहीं हो, आप बन ही सकते हो। कोहिनूर सिर्फ वो बन सकता है जो 100% सिस्टम के अंदर है, 100% 100%। अब काम कैसे करना है, कैसे आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं? सूची बनाए लोगों की जो आपको जानते हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं हिंदुस्तान में, उनकी सूची बनाए, लिखे नाम, दोस्त कितने हैं मेरे जिंदगी में, दोस्तों का नाम लिखिए, रिश्तेदार कितने हैं रिश्तेदारों का नाम लिखिए, अड़ोसी पड़ोसी कितने हैं उनके नाम लिखिए, जो भी आपसे लिंक लोग हैं, आपके बच्चे स्कूल का टीचर है, आपका दूध वाला है, आपका हेयर कटर है, जो भी लोग आपको मिलते हैं जानते हैं, आपके मोबाइल फोन जितने नंबर हैं उन सबके नाम लिख लीजिए।
हर आदमी, कोई दुनिया से आदमी है जिसको पैसा नहीं चाहिए? हेलो, सबको चाहिए। कोई ऐसा आदमी को पैसा नहीं चाहिए? और कितने लोग आपके फोन पे ऐसे हैं जिनको महीने की इनकम 10 लाख से ऊपर आ रही है? जिसको 10 लाख से ऊपर की महीने की इनकम आ रही है उसको छोड़ दो, जिसको नहीं आ रही है इसका मतलब आपको प्रॉस्पेक्ट है। हेलो, जिसको आपके मोबाइल फोन में आपको पता है इसको 10 लाख से ऊपर महीने की इनकम आती है उसको छोड़ दो, वो नहीं आएगा। पर जिसको आपको लग रहा है नहीं आती 10 लाख की इनकम, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, वो इस बिजनेस में आ सकता है। केवल आपको सही तरीके से उसको समझाना है, उसके दिमाग में बात घुसानी है कि भाई तू जो भी अच्छा, अदरवाइज बात करें आज नौकरी, जिसको नौकरी में 10 लाख आता भी होगा तब तक ही आएगा तो काम करेगा। आज उसको कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए उसके साथ, क्या उसको फैमिली को पैसा आएगा? आएगा नहीं आएगा? आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप 10 लाख महीना कमा भी रहे हैं, पर आपको कुछ हो गया तो फैक्ट्री चलेगी? खत्म हो जाएगी। आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, और आप यहां पे इस लेवल पहुंच चुके हैं, 10 लाख महीने पहुंच चुके हैं, आपको कुछ हो जाए आपके आने वाले जो पुश्ते भी हैं उनको पैसा आ रहे। तो ये ऐसी इनकम है, पावर ऑफ नेटवर्क का आप समझिए। जब तक आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, जहन में नहीं बैठेगी, आप इस बिजनेस के लिए पागलों की तरह काम नहीं कर पाएंगे। ये अंदर घुसना चाहिए बात को, ये पावर ऑफ नेटवर्क है, मुझे इसको अचीव करना है और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना है, मेरे को इस पावर नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, मैकडोनल्ड्स सबसे बड़ी चेन है वर्ल्ड की, मैकडोनल्ड्स सबसे बड़ी जगह बर्गर खाते मैकडोनल्ड्स का, कैसे अमीर हो आदमी? अपना नेटवर्क बिछा के पूरे वर्ल्ड में उसने से फॉर एग्जाम्पल 10,000 से ऊपर अपने आउटलेट खोल दिए, फ्रेंचाइजी खोल दी 10,000 से ऊपर। ये तो वही काम है, आपको अपने लीडर क्रिएट करने जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। मैंने ये तो किया था 15 साल पहले, मैंने अपने ऐसे लोग मिलने शुरू किए, उनको पुरस्कार लगाना शुरू किया, अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू किया। आज मेरे जैसे कंपनी के अंदर हजारों लोग हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। वही काम आपने करना है, आपने अपने नीचे हजारों लोग जो हैं फुल टाइमर्स पैदा करने हैं, जो आपकी टीम के अंदर है और फुल टाइम आईएमसी बिजनेस को काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। ऐसे आपके नीचे 100 लोग आ जाएंगे जो फुल टाइम आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, और 100 चेयरमैन आपके नीचे आ गए जिस दिन, उस दिन आप जीवन भर के लिए फ्री हो गए। लेकिन वहां तक पहुंचना है, लेकिन वहां तक पहुंचना तो है ना, वहां तक पहुंचोगे नहीं तो कैसे होगा? हम शुरू करते हैं एक चेयरमैन, आप खुद चेयरमैन के ढीले बैठे, अरे चेयरमैन के बहुत हो गया, 50,000 महीना रहा, अरे बाप रे बहुत हो गया, 20,000 तनखा दी, 50,000 महीना रहा, सपने खत्म हो गया। सो जितना बड़ा ड्रीम लेंगे, जितना बड़ा गोल लेंगे, उतना बड़ा अचीवमेंट, उतनी बड़ी मेहनत आप लगाएंगे। छोटे ड्रीम लेके बैठ जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तीसरा, हम लोगों की सूची में और उनको कॉन्टेक्ट करना शुरू करें, जितने लोग जानते हैं उनको मिले, जितने लोग नहीं भी जानते हैं उनको भी सूची में लेके आए। आपको आज आप घर से बाहर निकले, आपको ट्रेन में को मिल गया, आपको बस में को मिल गया, आपको रास्ते में को मिल गया, आपको किसी दुकान में को मिल गया, हर बंदे नाम नोट करें, क्या फर्क पड़ रहा है? हर बंदे को इन्वाइट करें मीटिंग के अंदर, जैसे आज मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में जितने लोग आपको जानते हैं सबको इन्वाइट करें। 100 लोगों को इन्वाइट करेंगे तब 20 लोग पहुंचेंगे, 20% लोग, पर 100 को इन्वाइट तो करना पड़ेगा, और हम करते ही 20 को है तो पहुंचते 2-3 दिन, और अगर करेंगे 2-3 को तो फिर कोई नहीं पहुंचे। मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियल कुछ महीनों के लिए, बहुत सिंपल है। अब कैसे आप बिजनेस को और जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको मिलते हैं उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो करना बंद कर दो, सत्यकाल जिसको मिलते हैं, कोई भी आदमी नया पुराना जैसा भी आदमी है, आपको जानता है नहीं जानता है, हर आदमी बोले गुड आइंग से। क्यों बोलना है? पहले तो जैसे आप गुड आइंग बोलेंगे बोलेगा ये क्या बोल रहे हो, ये क्या भैया, और जैसे उसे पूछा नहीं तो हमने तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, माउथ पकड़ी सी खुद ही बोलो गुड आइंग, लोग पूछेंगे क्या बोल रहे हो भैया, आप बताओ ये बिजनेस है, वो काम करे ना करे जब आपको लीवर मिलेगा वो आप खुद ही बोलेगा गुड आइंग। और तीसरा जो साथ रहा वो पूछेगा भाई ये तू क्या बोल रहा है इसको, माउथ पब्लिसिटी। मैं क्यों, मेरे सारा दोस्त रिश्तेदार सब मुझे गुड आइंग बोलते हैं, हर आदमी जो मुझे जानता है पूरे इस धरती के अंदर मुझे सब गुड आइंग बोलते हैं, क्योंकि मैं हर आदमी गुड आइंग ही बोलता हूं। इससे प्रभाव पड़ता है आपकी टीम के अंदर, इससे आपकी मार्केटिंग होती है, इससे आपका पूरा एक सीधा चीजें खड़े होती हैं। हर जगह जब एक ही चीज बोली जाएगी तो अपने उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, अपने लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, अपने लोग अक्सर रहना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको होना पड़ेगा। तो
तो गुड हैंड से बोले, इससे आपको नए लोगों को रिक्रूट करने में बहुत फायदा होगा। हमेशा ड्रेस कोड में रहें, कंपनी की ड्रेस कोड है कोट पैंट। अगर आप किसी बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी अच्छे व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं या कहीं इवेंट है वहां पे आप ड्रेस कोड पहने, गर्मियां चल रही है तो टी शर्ट पहन सकते हैं, पर जहां पे फॉर्मल जाना है वहां पर हमेशा कोट पैंट पहन जाइए। रूटीन में आप जा रहे हैं तो आप टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, पर टी शर्ट मतलब ये नहीं टी शर्ट पुरानी होगी 25 मिनट से टी शर्ट पहनी आ रही है। टी शर्ट की लाइफ है, ये कोई लाइफ टाइम टी शर्ट है, एक बार पहनी जीवन भर चलती रहेगी। ऐसी कौन सी टी शर्ट पैदा हुई है जो एक बार पहनी जीवन भर चलती रहेगी? और हमारी टी शर्ट ऐसी हम रोज पहनते, रोज उसको धोते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे लीडर होंगे टी शर्ट ब्लू रंग से सफेद हो चुके हैं, टी शर्ट वही पहनी आ रहे। अरे 600-700 की टी शर्ट दोबारा खरीद दो यार। टी शर्ट की लाइफ है, उसको चेंज कर लो जो खराब पुरानी हो रही है। दूसरा, जब भी आप बाजार जा रहे हो शेव करके अच्छे तरह बाल करके एकदम परफ्यूम लगा के बाहर जाओ, ये नहीं कि गंदी गाड़ी आई हुई है, दो दिन शेव नहीं की हुई है, बाल कटिंग नहीं की हुई है, नाखून बड़े हुए हैं और आप मार्केट में घूम रहे हो मोटे को टाइम से ना बोलो हमारी ब्रांड वैल्यू खत्म कर रहे हैं। आपको एकदम हीरो की तरह या हीरोइन की तरह बाहर निकलना है, बिकॉज जो लोग मिले हैं तो आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगना चाहिए, खुशबू आप चाहनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाइक में या किनोपी का गया पसीने से मेहनत की, आप लोग अच्छी बात है, लेकिन आप पता जिसको मिलने जाते हैं चेंज किया या परफ्यूम लगाया उसको मिलने के लिए, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। जब सुबह उठते हैं तो शीशा देखिए आप मेरे को, क्या मैं प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, अच्छी गॉगल वॉगल लगाए हैं, स्मार्ट बन लिया, आप भी लगे तो बंदा आया मुझे मिलने के लिए, कोई मुझे समझाने के लिए आया। और ड्रेस कोड को रूटीन में पहने, और ड्रेस कोड पहन के नहीं रात को ठेके में बैठे हो। वैसे लिखा हुआ है तुलसी भी है निरोग जी, रात को ठेके में ड्रेस कोड में बैठा हूं। तो ड्रेस कोड को भी सही जगह पहने, हजार रुपए का लगा प्रीति मैडम हंस रहे हैं। सो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, और इससे इक्वालिटी, कंपनी ने क्यों ड्रेस कोड है कि हम इक्वल दिखना चाहते थे। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई पतला है, कोई मोटा है, काला है, गोरा है, डजंट मैटर, कोई धर्म किसका कोई और है, हम सब एक जैसे, हम सब आईएमसी के लोग हैं, हम आईएमसीएंस हैं, हम जैसे एक जैसे नीचे साइड हो, तो इक्वलिटी को बिलीव किया हमने कि कंपनी के हर व्यक्ति, चाहे कंपनी के जन्मदाता अशोक भाटिया जी हैं, चाहे कंपनी का पीएम भी है, हर आदमी की ड्रेस कोड में है, इक्वलिटी में बिलीव करती कंपनी, हर आदमी एक जैसा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी के अंदर, लेकिन हमें इसको ऐसे रिस्पेक्टफुल तरीके से, जैसे सुबह उठ के एक फौजी जब वो वर्दी पहनता है तो उसको लगता है कि मैं फौजी हूं, वैसे आपको लगना चाहिए कि जब मैं पहनता हूं तो आज मैं काम पे निकलने वाला हूं, आज मैं पूरी मेहनत करने वाला हूं, ये नहीं कि ऐसे पहन के निकले और पूरा दिन काम में कुछ नहीं किया। सो इसकी वैल्यू रखिए। अगला नियम क्या है, संपर्क करें, आमंत्रित करें और उनको होम मीटिंग्स में या ओपन मीटिंग्स में बुलाएं। जो भी लिस्ट बनाई है, जो आप लोग जानते हैं उनको आप उनको बुलाइए हर रोज, कम से कम टारगेट करें। देखो ये पूरा बिजनेस जो है ज्यादा से लोगों को मिलने का बिजनेस है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 जितने लोगों को मिलोगे उतना जल्दी बिजनेस ग्रो करने वाला। आपके मुंह से जब शब्द निकल रहे हैं, अब देखो मैं यहाँ पे आज मान लो 100 लोग बैठे हैं, भाषा तो मेरा सेम ही है, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 या 2 हो, 2 लोगों को मैं सेम चीज समझाऊंगा और 10000 लोग बैठे हो तभी मैं सेम चीज समझाऊंगा, मुझे फायदा कहां मिल रहा है, 2 लोगों को समझाने में या 10000 लोगों को समझाने में? मेरी एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी? अब वही 100 लोग मान लो इनको मैं 2-2 घंटे समझाता या 1-1 घंटे समझाता, तो मुझे 100 लोगों को एक एक घंटे समझाना पड़ता तो मुझे 100 घंटे लगाने पड़ते। कहां मैं एक ही घंटे में 100 लोगों को समझ पा रहे, पावर ऑफ गैदरिंग। इसको जितने भी लीडर यहां बैठे हुए, पंजाब के लीडर बैठे हुए हैं, मैं बल्कि ये बोलूंगा कि गैदरिंग की पावर को जानो। 1-1 मीटिंग अच्छी बात है करो, पिछले 1-1 समझाना, पर्सनली समझाना, पर्सनली काउंसलिंग करनी, उसको प्लान समझाना, डीप नॉलेज देनी बहुत है, लेकिन जब आप बात करते हैं नए लोगों को लेके आने की, उसके लिए आपको एक वीकली मीटिंग, चाहे वो लुधियाना शुरू कर लो, चाहे अपने ढाबे आप लॉन्ग में वहां शुरू करो, एक वीकली मीटिंग आपको प्लान करनी चाहिए। पेड मीटिंग करो, जिसने काम करना 50-100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मीटिंग बैठे, नॉलेज देगा ऑफिस में, मैं ये कल्चर बिल्ड करूंगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे बाद में। गैदरिंग का फायदा क्या है, एक तो आपकी एनर्जी कम लगती है, एक ही मंच पे 3-3, 4-4 स्पीकर आके बोल सकते हैं, आप गैदरिंग किसी को बुला सकते हैं, मंच पर बोल सकते हैं, जैसे आज मेरे को बोला आने के लिए, मैं आया ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे आने का, मैं कुछ ना कुछ सीखे जाओगे आप लोग, और जो स्पीकर है उनसे कुछ ना सीखे जाओगे। 1-1 मीटिंग हो सकता है मैं आपको मिलना हूँ, अब मुझे राहुल बोले सर मेरे एक आदमी को मिलना है,
तो हो सकता है टाइम मत दूंगी, मैं एक आधो नहीं मिल पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ। पर जब मैंने सौ लोग आने बुलाया, इतने लोग आते हैं, आने पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। तो जब भी आप गैदरिंग करेंगे, एक तो जो आदमी यहाँ पे आ रहा है उसको विश्वास होगा, या इतने लोग काम कर रहे, इतने लोग मंच पे आके बोल रहे हैं, इतने लोग को फायदा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। सो और जब भी आपने प्लान शो करना है, कोशिश करें एक आदमी ना हो, चार हो, पांच हो, छह हो, दस हो, दो हो, आप किसी घर घर गए मान लो होम मीटिंग के अंदर प्लान शो करने के लिए, कोशिश करें कि अगर आदमी हो दो लोग आए हैं तो दोनों के साथ उसकी वाइफ खड़ी है, मार्ग आप भी बैठी को बात, माता पिता को आप भी बैठिए, जितने लोग बैठे करते उठाइए, क्योंकि जितने लोगों के अंदर ये बात आप डालेंगे, ये बिजनेस जितने लोगों के अंदर डालेंगे उतना ज्यादा ये मल्टीप्लाई करेगा। हमेशा यू हैव टू मेक श्योर, जब भी प्लान करने लगे, जितने लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं, आपके चाहे टीम के लोग खड़े हुए हैं, चाहे आपके टीम का आदमी और अच्छा काम करे, उसको तू बैठा बात, क्योंकि वो भी जब दोबारा प्लान सुनेगा तो वो भी एक बार उसको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो जब भी आपने प्लान शो करना है, आपने ध्यान रखना है जितने भी लोग आपके आसपास हैं सबको साथ बिठा दो, ताकि आप ज्यादा लोगों को प्लान के बारे में कंपनी के बारे में बता पाओ। तो और जितने नंबर्स को अगर आप लिखो, एक डायरी में नोट ऐसे करता था स्टार्टिंग में, मैं डायरी लिखता था, आज मेरे द्वारा जब प्लान लगाया गया दिन में पांच बार या तीन बार, कितने लोगों को मैंने टच किया, तीन लोगों को टच किया, अगले दिन कितने लोगों को टच किया, मैंने छह लोगों को टच किया, अगले दिन कितने लोगों को टच किया, मैंने बारह लोगों को टच किया, फिर मैं सोचा यार तो बड़ा काम खराब है, मुझे अगर दस लाख लोग चाहिए टीम के अंदर, ये दो दो चार चार लोगों को समझाऊंगा मैं तो बुरा हो जाऊंगा इसी काम के अंदर। फिर मैंने ज्यादा लोगों को समझाने के लिए बड़ा काम करना शुरू किया, ये आपको माइंडसेट में डालना पड़ेगा, ये बात बड़ा काम कैसे होगा, मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी होम मीटिंग्स करनी पड़ेगी, बड़ा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने होम मीटिंग शुरू की, बड़ी होम मीटिंग, पचास बंद होगी, सौ बंद होगी, बीस बंद होगी, फिर मैंने वीकली मीटिंग शुरू की, किसी भी जरूरी नहीं इसलिए आपको होटल लेना कोई बहुत बड़ा, कोई धर्मशाला ले लो, कोई आप स्कूल का हॉल ले सकते हो, कोई कॉलेज का हॉल ले सकते हो, स्कूल की आप क्लासरूम ले सकते हो, लोगों को वहां पे जिसने सीखना है और जो काम में एक्टिव है उसको आप बोलोगे झोपड़पट्टी में जाओ, वहां पे भी आ जाएगा, जिसने काम करना है, और जिसने काम नहीं करना है उसको आप 500 ऑर्डर लाओ तब भी नहीं आएगा। सो जगह मैटर नहीं करती है कहां कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि आप कर रहे हो वो मैटर करता है। तो उसके लिए आप पहले तो जगह आइडेंटिफाई करो कि मैं कहां पे कर सकता हूँ, कोई ऐसा हॉल जहां 1,000-2,000 खर्चा है हफ्ते का या महीने का, वहां पे अगर भी मंथली मीटिंग कर रहा हूँ तो 2,000-5,000 खर्चा है, और मेरे 100-150 लोग इकट्ठे कर सकता हूँ आराम से, 200 लोग इकट्ठे कर सकता हूँ, ऐसी जगह आइडेंटिफाई करो जहां पे हो सकते, और या फ्री मिल जाए, किसी दोस्त का पास एक बड़ा सा हॉल पड़ा हुआ है आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दो, आपको यहाँ पे हेड ऑफिस है आप उसको यूटिलाइज करो, यहाँ पे हॉल भी है, 25 बंदों के हॉल की मीटिंग के लिए भी हॉल है, 30 बंदों की मीटिंग के लिए भी हॉल है, 100 बंदों की मीटिंग के लिए भी हॉल यहाँ पे है, आप उसकी यूटिलाइज करो। लेकिन ये आपको कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं जब भी प्लान शो करूं ज्यादा लोगों को टच करता हूँ, फिर देखेंगे आप आपकी अपने आप बिजनेस जो है मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाएगा। और बिजनेस प्लान खुद दिखाना है, ये नहीं कि आपकी अपलाइन की वेट करनी, अपलाइन आएगी तो बिजनेस प्लान होगा, अगर आपको कंपनी का बिजनेस प्लान खुद शो करना नहीं आता तो फिर आप कभी भी कंपनी में कोहिनूर बनने वाले नहीं है, भूल जाओ, कभी जीवन भर आप आगे सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी काम है। कई लोग सोचते हैं मैं डरता हूं कि अगर मैंने गलत बता दिया तो, आप लगता हो ना मैं अगर बताऊंगा बताऊंगी शायद मैं होता गलत बता दूं, जो नया आदमी है क्या उसको पता है कि सही के गलत के, उसको जो बोल दो मान ही जाएगा, ठीक है भाई। और पहली बार में किसी को प्लान समझ में आता नहीं है, किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आती है। आपको तो ये बताना है कि ये कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट्स है, ये इंडस्ट्री है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, और इस इंडस्ट्री में आप क्या अचीव कर सकते हो, बस खत्म। जिसको समझ में आ जाएगा ये बात कि नेटवर्क बिजनेस जो है ये वर्ल्ड ओवर सबसे बेहतरीन बिजनेस है, इसमें मैं अमीर हो सकता हूं और कोई चारा नहीं है, कोई करना ही पड़ेगा, वो अपने भी सिस्टम में आ जाएगा। तो प्लान शो करना खुद शुरू करें, और उसके बाद फॉलो अप, रेगुलर फॉलो अप, जो आपको जिससे आपसे प्रोडक्ट बाय किया उसको फॉलो अप करें। हम क्या करते हैं अक्सर, किसी को तुलसी भेज दी या एलोवेरा जूस भेज दिया, उसको तो फोन ही नहीं करते कि भाई तूने तुलसी ली कैसे ली, एलोवेरा जूस लिया क्या फायदा नजर आ रहा है, तू सुबह एलोवेरा जूस पिया था तो शाम को देखो ठीक निकल गया, कोई पेट तो नहीं खराब हो गया, कोई पेट तो लूज हो गया, उसको बताओ क्यों लूज होता है। मतलब कि आपको उसको कॉल बैक करके उसको फॉलो अप लेना पड़ेगा, तभी आपका कस्टमर परमानेंट जुड़ेगा आपके साथ। और इसको ज्वाइन कराया है तो इमीडिएटली उसको फॉलो अप करें, और उसके घर पे होम मीटिंग रखवाएं कि अब तेरे घर पे मैं होम मीटिंग करने आ रहा हूं अगले हफ्ते या तीन दिन के बाद, तू 10-15 लोग 20 लोग 50 लोग इकट्ठे करो। होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालते जाए निकालते आपको बिजनेस अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर जाएगा। सदा अपडेट रहे, कंपनी के नए ऑफर्स क्या है,
कंपनी की स्कीम्स क्या आ रही हैं, कंपनी ने पॉलिसीज क्या लेके आ रही है, ताकि आपको नॉलेज हो, आपकी टीम को नॉलेज हो। अब तो जूम मीटिंग द्वारा इतना इजी हो गया है, आपको होम मीटिंग भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो आप जूम मीटिंग कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप सारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। पूरा वर्ल्ड इस समय जूम मीटिंग्स में आ गया जब से कोविड हुआ है। घर बैठे बैठे आपकी टीम जो पूरे इंडिया में है, किसी भी स्टेट में है, आप घर बैठे सबसे कनेक्ट कर सकते हो, इतना इजी हो गया काम करना। तो उसके लिए हमेशा अपने आपको अपडेटेड रखें, कंपनी के ऑफर्स नहीं क्या चल रही है, कंपनी की स्कीम्स क्या नहीं चल रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे अचीव किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी कंपनी के प्लान के अंदर अपडेट्स आई हैं वो कैसे लोगों को बताना है, तो जितनी भी अपडेशन आई है उसमें आपको इमीडिएटली आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही महीना खत्म होता है नई स्कीम लॉन्च होती है, इमीडिएटली 3 या 4 तारीख को स्कीम नॉर्मली आ जाती है, आप 5 तारीख को शाम को अपने पूरे ग्रुप में अनाउंस कर दें कि नई अपडेट्स के बारे में आप जानकारी मिलेगी शाम को 8 बजे जूम पे अलग करो, जूम मीटिंग करो, सबको इनवाइट करो और उनको सारी नई अपडेट्स के बारे में बताओ, ताकि लोगों को पता हो कि कैसे नई अचीवमेंट्स और नए ऑफर से फायदा लेना है। समय के पाबंद रहें, जब भी किसी को टाइम दिया है 15-20 मिनट पहले पहुंच जाए, 15-20 मिनट बाद में नहीं। आपके पॉलिटिशियन नहीं हो कि बाद में आएंगे लोग इकट्ठे हो जाए तो मैं आऊंगा। एक लीडर वो होता है जो टाइम से पहले पहुंच जाए और उस व्यक्ति की हेल्प करे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने में, वो लीडर होता है कि टाइम से पहले पहुंच जाए और वहां पे उसकी हेल्प करें, सपोर्ट करें कि कैसे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। आप किसी के घर में होम मीटिंग रखी है, मान लो आपने, आप 1 घंटा पहले पहुंच गए वहां पे, वो घबरा जाएगा, ये तो सच्ची में आ गया, अब मुझे ये लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो फटाफट अपने आसपास के लोगों को बुलाएगा आपकी होम मीटिंग अरेंज कर रहे। तो जल्दी पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, नहीं लेट पहुंचेंगे तो आधे लोग भाना मार देंगे, सर आप लेट हो गए इसलिए लोग चले गए, चाहे लोग आए भी ना हो, लोगों में आए भी नहीं पर आप लेट पहुंचे, सर आप लेट हो गए लोग चले, तो हमेशा टाइम पे पहुंचे, एटलीस्ट जो टाइम पे उस पर तो पहुंच जाएंगे। और हर आदमी को कंपनी का जो आयुर्वेदिक केंद्र है 50,000 रुपए लगते हैं उसमें खोलने में, कितने लोग हैं कंपनी का 50,000 रुपए स्टोर आउटलेट या आयुर्वेदिक केंद्र है, कुछ लोगों के पास है, बिना इसके काम ही नहीं है। जो व्यक्ति आप बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं वो आपसे हो सकता है स्टार्टिंग में 1,000-2,000-3,000 का सामान ले ले, आपने उसको बोलना, लेकिन यही है, ये सब लोग नोट कर लें कि बिना आयुर्वेदिक केंद्र लिए आप कामयाब नहीं हो सकते। 50,000 रुपए लगाएं, अपने घर में 50,000 स्टॉक रखें, क्योंकि जब एक लीडर के घर में सामान ही नहीं होगा वो काम क्या करेगा, बिना सामान के लीडर कामयाब हो ही नहीं सकता है। जितने भी एक्टिव लीडर्स हमारी कंपनी के पास हैं, सबने 5,000 का माल या 2 लाख का माल या 10 लाख का माल का स्टोर ले रखा हुआ है, क्योंकि सारा बिजनेस तो टर्नओवर का है, धंधा तब होगा अगर माल बिकेगा, और अगर माल ही नहीं होगा तो ना बीवी आएंगे, नहीं बीवी आएंगे, नहीं टर्नओवर है, नहीं टर्नओवर है, तो कौन से कोई नहीं, कौन से आप क्या, सारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास हर समय प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। 50,000 रुपए लगा के अपने घर पे आपने स्टोर खोलना ही खोलना है अगर आपने इस बिजनेस में कामयाब होना है। और आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो इनकम नहीं है जी, मैं पैसा कहां से इकट्ठा करूं, पैसा सबके पास होता है, बात तो आपकी सीरियसनेस की है। अभी घर में किसी को प्रॉब्लम आ जाए, आप घर का कोई आदमी बीमार हो जाए तो पैसा इकट्ठा नहीं करोगे। और ये तो वो बिजनेस में आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की, ये कौन से लग गए पैसे वापस आने, माल मिल जाएगा बेच दो पैसे वापस आ जाएंगे, साथ में इनकम भी आएगी, उसी पैसे को अपने घुमाते रहना बार बार। और कभी लगा आपको यार मैं माल नहीं बिक रहा तो आप अपनी अपने से मांग रहे वो बेच देगा आपका माल, तो सिक्योर है, इसमें कोई रिस्क तो इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन बात तो सीरियसनेस की है, क्या आप 20 लाख रुपए महीने में पहुंचना चाहते हैं, हेलो yes. तो स्टोर के बिना आप नहीं पहुंच सकते। हर आदमी को अपने घर पे आयुर्वेदिक केंद्र खोलना चाहिए, बाहर बैनर लगाना चाहिए, घर के बाहर बैनर लगाओ आयुर्वेदिक केंद्र, ताकि आसपास लोगों को पता हो यहां पे आयुर्वेदिक सामान मिलता है। और हर लीडर को जब भी इसको ज्वाइन कराना है उसे पूछो कि भाई तो यूजर बनना चाहते हैं तो काम करना चाहते हैं, अगर तो यूजर बनना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, तुम यूजर बनो, कंपनी का सामान लेते रहो, ये कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, घर बैठे ऑर्डर करो आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन बेटा तुम्हें काम करना है तो देखो फिर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो 50,000 रुपए का सामान अपने घर रखना पड़ेगा। मैं कि दूर से आऊंगा देखो हेल्प करने के लिए, यहाँ पे ऑर्डर भी दूंगा, होम मीटिंग भी दूंगा, लोग ऑर्डर भी देंगे, और अगर सामान ही होगा तो फायदा भी, कोई फायदा नहीं। तो ये आपको मेक श्योर कि आपकी टीम में जितने ज्यादा खुल जाएंगे उतनी जल्दी आप कंपनी में ग्रो करने वाले। आपकी टीम में 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जितने खुल जाएंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करने वाले।
और लक्ष्य निर्धारित करें, गोल सेटिंग करें, मैंने कौन सा लेवल कब अचीव करना है, टाइम लाइन दे। कितने लोग यहाँ पे शादी हो चुकी है, मायूस क्यों भाई, हाथ पे करो, शादी हुई है। अच्छा कितने लोग ऐसे यहाँ पे जिनकी शादी का जो डेट थी, मान लो 15 जनवरी को शादी आपकी अनाउंस हुई पर उसी शादी नहीं हुई, ऐसे कितने लोग हैं? कोई इतना खुश नहीं है। जिसकी जो डेट थी उसी से भी शादी हुई, ऐसे क्यों हुआ? डेट फिक्स थी। कितने लोगों ने यहां पे अपनी क्राउन प्रेसिडेंट बनने की डेट फिक्स की हुई है? अभी आधे लोग तो फर्जी हाथ में हो गए। आपको डेट फिक्स करनी है कि मैं इस तारीख को, इस महीने की इस तारीख को क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, और आप लिख लेंगे दुनिया की सारी ताकत, पूरी कायनात लग जाएगी आपको हेल्प करने में, आपको क्राउन प्रेसिडेंट निकालने में। पर आपके अगर डेट फिक्स नहीं है तो आप कभी भी क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, राइट? पॉसिबल ही नहीं। तो जो भी आपने लेवल अचीव करना है, सिल्वर का बनना है, गोल्ड का बनना है, रूबी का बनना है, डायमंड का बनना है, चेनर का बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट का बनना है, आपको डेट्स अपने अपलाइंस से बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी और उस डेट को आपको निकलना है, उसकी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके आप अपने लक्ष्य जो है उनको पूरा कर पाएंगे। कम से कम तीन प्लान शो आपके आपकी डायरी में, आपकी तरफ से तीन प्लान शो हर रोज होने चाहिए। 99% जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी तीन व्यक्तियों को प्लान शो रोज नहीं कर रहा है। तीन प्लान शो डेली, तीन प्लान दिखाने, ये हैबिट अगर आप नहीं बनाएंगे, आप कभी चाहे कोई दूर बन जाए, लेकिन आपकी हैबिट क्रिएट करने की, मेरे को तीन बार तो पूरे दिन में प्लान शो करने करना है। क्या एक आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, पर तीन बार पूरे दिन में मैं प्लान शो करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग के दिन मुझे याद है, टारगेट होता था कि अगर मैंने आज, तब तो अभी, अब तो ज्वाइनिंग फ्री होगी ना, जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी नहीं थी, तब 750 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, 750 किट मिलती थी, उसमें आपको 750 सामान मिलता था, मतलब ज्वाइनिंग होती, बड़े सालों बाद पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो टारगेट होता था कि हम लोगों ने आज 10 व्यक्तियों की 10 किटें बेच के रखे आनी, वरना आप अभी ना, और कभी ऐसा आपके 12 बज गया और 2 किट रह गई बिकनी, तो 12 बजे भी रात को लग रहा था कि 2 किट बेच के घर आने को और घर जाएंगे। ऐसा आपके अंदर जब तक जज्बा नहीं आएगा टारगेट को अचीव करने का, तब तक आप आगे जो है नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जो तरीका है वो है फैमिली को इन्वॉल्व करें, वाइफ को इन्वॉल्व करें। एक और एक कितने होते हैं? 11। अगर आप अपनी वाइफ को साथ इन्वॉल्व करेंगे तो एक तो वाइफ आपको सपोर्ट करेगी, आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, 2 दिन बाहर रहना पड़ता है, कई वाइफ का डंडा होता है, घर रात को घर पे आ जाना, 9 बजे बाद में तो खाना नहीं मिलेगा, तो ये वाइफ को समझाओ ये खाना वाना जो है देखो मैं जीवन भर बांट लाता रहूंगा, मुझे एक बार अमीर होने दे। उसको ये बात समझ में आ गई अगर कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेहनत कर रहा है और इस बिजनेस से हम लोग मिलकर काम करेंगे तो 2-3-4 साल में हमारी लाइफ बदल सकती है, ये आपको अपनी वाइफ को समझाना पड़ेगा। मैं ऐसे लोग जानता हूं इनकी वाइफ पर डंडा रहता है, रात को घर पे आना पड़ेगा, कई ऐसे भी मूर्ख होते हैं, सर रात को मैं घर जाके खाना खाता हूं। अरे भाई छोड़ दो, मैं 2007 से लेके 2011 चार साल घर ही नहीं आया था, घर के बाहर रहता 4 साल के लिए, मैं घर ही नहीं आया था अपने 4 साल, आपका कपड़े बदलता था चल जाता था। एक ही जुनून था कि बिजनेस को हमने एस्टेब्लिश करना है, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बीबी को बोल दो, अब मैं बता रहा था भी कई ऐसे लोग सऊदी में काम करते हैं, वो तो महीने के बाद साल के बाद जाते बीबी को मिलने के, 2 साल नहीं आते, क्या उनके परिवार में भेजता नहीं पैसे कमाने के लिए, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? इसलिए अपनी वाइफ को सारी इन्वॉल्व करो, उनको समझाओ इस बिजनेस के बारे में, उसको बताओ कि आप क्या काम करें और वो आपको सपोर्ट करें, ताकि आपको अगर 12 बजे घर पे आए तभी आपको रोटी दे खाए, खाना दे कि हमने खाना खा लिया, आप मेहनत करके घर पे आए और आप दोनों मिलकर करें। उनके लेडीज जो है उनके बहुत सारे अपने सर्कल होते हैं, किटी पार्टीज होती हैं, स्कूल के सर्कल होते हैं, उनके सत्संग वगैरह होते हैं, उनको इन्वॉल्व करें साथ में, उनका जो सर्कल उसको इनकैश करें, तो ये मिलकर काम करें तो बहुत जल्दी काम जो आपका आगे बढ़ने वाला है। सपनों को अपने सामने रखें, आपके जो वॉलपेपर है उसमें अपने जो आपकी ड्रीम कार है उसकी फोटो रखें, ताकि हर समय आपके सपने आपको प्रेरित करते रहें।
और सबसे इम्पोर्टेंट है दुकान बदले जीवन बदले, हमें लोगों की दुकान को बदलना है। जो सामान वो बाजार से ले रहे हैं, चाहे वो साबुन है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बाजार ले रहे हैं, उनको हैबिट चेंज करनी है, उनको IMC के प्रोडक्ट यूज करने शुरू करने हैं, खुद यूज करने हैं, यूजर बनना है और यूजर बनाने हैं। बहुत सिंपल बिजनेस है, लेकिन एक बार 4-5 साल की मेहनत है, कर लेंगे तो जीवन भर एंजॉय करेंगे जीवन भर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन भर जो है घूमता फिरता रहूं, एंजॉय करता रहूं, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, मेरे फैंस बने, ये इंडस्ट्री से ऊपर इंडस्ट्री, IMC से ऊपर बिजनेस, वर्ल्ड में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन समझे उसमें आगे बढ़े। फिलहाल आज हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर्स आए हुए हैं, बहुत सारे नए लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद हमारा जो एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है उसको ले जाएंगे। तो आज के हमारे होस्ट तरुण जी का है, तरुण जी तो तालियां हो जाए, बहुत सी होस्टिंग आ जाएगी। और मैं चाहता हूं कि अगली बार जब ये मीटिंग हो तो हम ये वाले हॉल में नहीं, जो सामने हमारा बड़ा हॉल है, हम उसमें ये मीटिंग करें। अगला जो RS है हम इस हॉल में आकर के अगली बार हॉल में करें, कर सकते हैं? Yes! कर सकते हैं? Yes! जितने भी लोग आए, हम 100 लोग, अगर 10-10 लोग भी ले आए नए, हम 100 लोग अगर 10-10 लोग भी नए ले आए तो 1,000 लोगों का हॉल हम भर सकते हैं। तैयार है? Yes! तो अगली बार हम जब RS करेंगे हम बड़े हॉल में करेंगे, इससे बड़ा RS करेंगे। और अगली बार जो अचीवमेंट्स बनाइए, इससे 10 टाइम अचीवमेंट्स, 10 टाइम बिगर लीडरशिप के साथ मोर अचीवमेंट हम लोग बड़े हॉल में सेलिब्रेट करेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।